हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वीज़ एंड आईज़ की करेंट अफेयर्स। ये जून मंथ की करेंट अफेयर्स है। इसमें हमारी बहुत सारी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है, और जो भी टॉपिक कंप्लीट हुई है उन सारी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर स्टार्टिंग से दे सकते हैं। यहाँ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो गई है, आपकी IR हो गई है, इकॉनमी की तीन लेसन आ चुकी है, कुछ टॉपिक यहाँ पे लास्ट 3 बची हुई है, इसको भी मैं जल्दी कंप्लीट करा दूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट कंप्लीट करा रही थी, क्योंकि बैक टू बैक जो इकॉनमी की लेसन थी वो थोड़ी सी बोरिंग यहाँ पर हो गई थी, इसलिए हम लोग इन्वायरमेंट की एक लेसन पढ़ चुके हैं। आज जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है इन्वायरमेंट की, वो मैं यहाँ पर कम्प्लीट करा देती हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 4th आर्टिकल, जो कि है सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड एडेप्टेशंस टू क्लाइमेट चेंज। तो स्टार्ट करने से पहले अब मैं एक दो क्वेश्चंस आपसे पूछा करूंगी, जो कि प्रीवियस लेसन से होगा। तो उसमें क्या बातें होगी कि अगर आप लोग प्रीवियस लेसन नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप लोग देख लो, और अगर आप लोग देखे हो तो यहाँ पर आपकी रिविजन भी हो जाएगी, क्योंकि करेंट अफेयर्स इतना ज़्यादा वास्ट है ना कि आप बिना क्वेश्चन आंसर की जल्दी इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ओके, तो इससे पहले जो मेरी टॉपिक थी वो थी ओजोन पॉल्यूशन। तो ओजोन पॉल्यूशन के लिए आपका दो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले ये बताना है कि ओजोन पॉल्यूशन को इंडिया के किस स्टेट में डिटेक्ट किया गया है, किस स्टेट के से ये पता चला है कि यहाँ पे जो है इतना आपका ओजोन पॉल्यूशन है, उस स्टेट का नाम बताना है। उसके बाद मैंने आपको ओजोन लेयर बताया है कि दो ओजोन होते हैं, एक बैड ओजोन होती है, एक गुड ओजोन होती है। तो बैड ओजोन किसको कहते हैं और गुड ओजोन किसको कहते हैं, ये दोनों आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतानी है। ओके, देखिए रिवाइज करते रहिएगा, और इस तरीके से अगर मेरे साथ आप लोग डेली बेसिस पर पढ़ते रहिएगा तो आप लोग के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बस ये चीज़ मेरे पर ट्रस्ट कीजिए, और जितना मैं लेसन लेकर आती हूँ आप लोग पढ़ते जाइए, और मैं हमेशा डेली एक दो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछूंगी। अगर आप लोग इसके नंबर बढ़ाना चाहते हो तो कुछ भी सजेशन देना चाहते हो, आप फ्री हो कमेंट करने के लिए। ओके, मैं इसी को इंप्लीमेंट करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये समझते हैं कि ये जो टॉपिक है सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, ये है क्या और यहाँ पर बातें क्या किया जा रहा है। न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जिसको NIRDPR भी कहते हैं, इन्होंने अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जो कि एक सर्टिफिकेट कोर्स है। यानी कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, आप लोग ने भी ग्रेजुएशन के टाइम में या फिर आप लोग इंटरमीडिएट के बाद भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज किए होंगे, 2 महीने 6 महीने का, जिसमें कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो वही एक तरीके का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके बाद के एक सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम रखा गया है सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। और ये आपका ट्रेनिंग किसने स्टार्ट किया है, तो ये आपको याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ओके, अब आते हैं और समझते हैं कि ये किस तरीके का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को फंड किया जाएगा स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड के द्वारा, क्योंकि जितनी भी क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट होती है, जो भी आपका प्रोग्राम चलाया जाता है, सबको फंड कौन करता है, तो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड करती है। ओके, जो कि आपका सेटअप किया गया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज के अंडर में, जो कि अडॉप्ट करती है क्लाइमेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को, ये देखती है। ओके, तो इसलिए आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आए कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, या फिर कोई भी आपका प्रोजेक्ट या फिर कोई भी आपका प्रोग्राम है, कोई भी चीज़ का आपका यहाँ पे अगर मैनुअल भी चल रहा है, तो ये सब कुछ फंड किया जाता है आपका क्लाइमेट स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड के द्वारा। ये आपका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है साथ ही साथ कन्वर्ज करके, जो कि आपका महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है, और मनरेगा को यहाँ पे कन्वर्ज किया जा रहा है, इसके साथ ही आपको इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये दूसरी आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दो तरीके का स्कीम होती है, सेंट्रली सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंटर्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो 100% फंड है वो सेंटर के द्वारा दिया जाता है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो फंड है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बांट के दिया जाता है। जो इस ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का, वो ये है कि यहाँ पे कैडर बनाना है, वो भी 200 सर्टिफाइड क्लाइमेट स्मार्ट कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का, जिसमें कि आपके प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी इंक्लूड होंगे, और 100 से ज़्यादा यहाँ पे यंग प्रोफेशनल होंगे जो कि गांव से बिलोंग करते हो, और उनके लाइवलीहुड को सिक्योर करना, यानी इस तरीके का क्लाइमेट चेंज लेकर आना कि आज के डेट में जितने भी लोग रह रहे हैं और आगे आने वाले जो भी जनरेशन है उनकी लाइफ जो है ना वो बच जाए, सेव हो जाए, और उनको सारी रिसोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध हो। ओके, अब आते हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में समझते हैं। ये जो आपका NI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इसके बारे में समझते हैं। ये आपका एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ये एक तरीके का एपेक्स बॉडी है, जो कि यहाँ पे आपका ट्रेनिंग लेती है, रिसर्च करती है, रिसर्च और जो कंसल्टेंसी असाइनमेंट है वो भी लेती है, और स्पेशली ये रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में ही वर्क करती है। वहीं पर यहाँ पर बात आ रहा है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का, तो ये एक आपका सब कॉन्टिनेंट है दीनदयाल अंत्योदय योजना का। ओके,
ये जो DNRLM कहते हैं उसका ये सब कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे आपका इम्प्रूव किया जाता है जो भी आज की डेट में प्रेजेंट स्टेटस है विमेन की एग्रीकल्चर में, तो उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया जाता है। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है जो भी यहाँ पे उनको एम्पावर करने के लिए अवेलेबल हो। ओके, तो ये एक आर्टिकल के बारे में आपको पता चला। नेक्स्ट आते हैं दूसरे आर्टिकल जो कि है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी स्लैश इकोनॉमी रेगुलेशन। तो ये आपका न्यूज़ में क्यों था और इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ये जो आपकी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी और स्लैश इकोनॉमिक रेगुलेशन है, ये लाया इसलिए जा रहा है क्योंकि आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि व्हीकल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी गाड़ियों से, फोर व्हीलर टू व्हीलर से आप देख सकते हो कि बहुत गंदी गंदी गैसेस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ से निकल रहा है। तो इसी को यहाँ पर बचाना है, कर्ब करना है, और ये आपका ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ के द्वारा किया जाएगा। ओके, तो यही चीज़ लाया गया है, ये आपका कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। अब ये रेगुलेशन है क्या, इसको डिटेल में समझते हैं। इस रेगुलेशन का एम है कि जो फ्यूल कंजप्शन है ना उसको कम करना है व्हीकल का, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन हो रहा है गाड़ियों से उसको यहाँ पे कम करना है। कॉर्पोरेट एवरेज रेफर्स यहाँ पे करती है कि जो आपका सेल्स वॉल्यूम है, वेटेड एवरेज है हर एक ऑटो मैन्युफैक्चरर्स का, उसका ये वॉल्यूम दिखा रही है। साथ ही जो नॉर्म्स है ना वो आपका पेट्रोल के लिए है, डीजल गाड़ी के लिए है, साथ ही LPG हो, CNG हो, ये सारे पैसेंजर व्हीकल्स के लिए ये नॉर्म आपका एप्लीकेबल होगा। इंडिया में अगर देखें तो ये जो रेगुलेशन है ना ये 2017 में आई थी, और ये आपका जो एवरेज कॉर्पोरेट CO2 कमीशंस है ना इमिशन है उसको यहाँ पे व्हीकल्स से आपका जो यहाँ पे एवरेज इमिशन हो रहा है उसको कम करने की बात की जा रही है। साथ ही इस नॉर्म्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे ज़रूरत है कि कार्स को 30% और इससे ज़्यादा भी फ्यूल एफिशिएंट करना होगा, वो भी 2022 तक, और 10% या फिर इससे भी ज़्यादा जो कि आपका 2017 से 21 के बीच में है। जो माइलेज इम्प्रूवमेंट है वो यहाँ पे डिसाइड करेगा किसके बेसिस पे, तो लीटर के बेसिस पे, यानी कि जो फ्यूल यहाँ पे व्हीकल्स के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है उसके बेसिस पे यहाँ पे जो है आपका डिसाइड किया जाएगा। और एक व्हीकल्स जो है अगर रन कर रही है 100 किलोमीटर में तो तब यहाँ पे इसको मेज़र की जाएगी। ओके, ये इसका बेसिक एम है। अब सिग्निफिकेंस देखिए कि इस तरीके का जो आपका रेगुलेशन लाया जा रहा है तो उससे और क्या क्या बेटर हो सकता है। तो सबसे पहला है कि हमारे यहाँ जो एयर पॉल्यूशन आज के डेट में बहुत ज़्यादा घातक हो चुका है, खतरनाक हो चुकी है, उसको यहाँ पे बचाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जो नंबर ऑफ व्हीकल्स डे बाई डे आपको रोड में इंक्रीज़ होते हुए दिख रही है उससे ज़्यादा क्या हो रहा है कि एयर क्वालिटी जो बहुत ज़्यादा सिटीज़ में जो है ना वो यहाँ पर ख़राब हो रही है। इसके कारण जो फ्यूल की स्टैंडर्ड है ना वो भी यहाँ पर स्ट्रिक्ट किया जा रहा है जिसके थ्रू जो एयर पॉल्यूशन है उसको टैकल किया जा सके, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि हम लोग फ्यूल की सेविंग कर सकते हैं। यानी इस तरीके के रेगुलेशंस का प्राइमरी एम है यही है कि हम लोग के व्हीकल की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है और यहाँ पे जो फ्यूल की कंजप्शन है ना उसको यहाँ पे कम करना है। अगर फ्यूल की कंजप्शन कम होगी तो हमारे इकोनॉमी में पैसे अपने आप बने रहेंगे, क्योंकि हम लोग दूसरे कंट्री से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, स्पेशली सऊदी कंट्री से। तो सऊदी कंट्री से इम्पोर्ट करने के कारण क्या होता है कि हमारी जो इम्पोर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कंपेरिजन टू हमारी एक्सपोर्ट। तो हम लोग इम्पोर्ट प्रधान देश कहा जाता है, एक्सपोर्ट प्रधान देश नहीं। तो इसलिए इस तरीके का अगर फ्यूल सेविंग होगा ना, फ्यूल कंजप्शन कम होगी, तो हमें जो है इस तरीके से लार्ज सेक्शंस में, लार्ज क्वांटिटी में हम लोग को ये जो क्रूड ऑयल है इसको हम लोग को इंपोर्ट नहीं करना होगा, है कि नहीं। अब थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल शिफ्ट होगा, यानी कि स्ट्रक्चरल शिफ्ट होगा, स्ट्रिक्ट किया जाएगा इस तरीके के रेगुलेशन से। तो इससे क्या होगा ना कि मैन्युफैक्चरर्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मूव होंगे और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल पे मूव होंगे, जो कि एक आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंप्लाई देखने को मिलेगा इस तरीके के नॉर्म्स को, है कि नहीं। तो ये तीन जो सिग्निफिकेंस है ये आपको याद रखना है। अब आते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस साल का, वो है डिले इन मॉनसून। यानी कि इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मॉनसून का, और आप लोग भी जिस जिस स्टेट में रह रहे हो आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे कि मॉनसून बहुत आने में लेट कर दी इस बार। तो ये रीज़न जानना आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की बात है कि यहाँ पर हमारे इंडिया में इस बार मॉनसून लेट आने का क्या क्या रीज़न था। तो न्यूज़ में बस इसलिए थी क्योंकि आपको पता है कि जब मॉनसून यहाँ पे बर्स्ट होती है, यानी कि जब मॉनसून यहाँ पे अटैक होती है इंडिया में, तो सबसे पहले मॉनसून जो आती है वो हिट करती है केरल के कोस्ट को, और केरल के कोस्ट को जब ये हिट करती है तो ये 1 जून को करती है। ओके, ये डिफाइंड है कि 1 जून को यहाँ पे केरल कोस्ट में मॉनसून हमारा आता है, वो भी साउथ वेस्ट मॉनसून। लेकिन इस साल क्या हुआ कि एक वीक डिले हुआ, यानी कि 8 जून को ये केरल कोस्ट में पहुँचा।
अब क्या क्या यहाँ पे अफेक्ट करता है मानसून को, ये हम लोग देखते हैं। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस जो हमारा अफेक्ट करता है मानसून को, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो डिले होने का चांसेस होता है, ये रीज़न है आपका एल नीनो और ला नीना के बारे में। तो एल नीनो जो है ये एक एबनॉर्मल वार्मिंग है, यानी कि जो सी सरफेस का जो टेम्परेचर होता है ना, अगर एल नीनो आ गया तो क्या होगा कि जो भी सी सरफेस का जो टेम्परेचर होगा, ओशन का जो टेम्परेचर होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये भी आपका पैसिफिक ओशंस का होगा, जो कि आपको पेरू कोस्ट यानी कि साउथ अमेरिका का जो पेरू कोस्ट है ना, इस तरीके का। तो यहाँ पे जो आपका पेरू कोस्ट है, तो पेरू के कोस्ट के बगल में जितनी भी आपकी पैसिफिक ओशन है ना, तो इसकी जो सी आपका टेम्परेचर होता है उसको ये बढ़ा देती है। और उसके बाद अगर वहीं अगर हम लोग ला नीना की बात करें, तो ये आपका एल नीनो के जस्ट अपोजिट है, और ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें कि आपका जो पानी का जो टेम्परेचर होता है ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा कूल हो जाता है। ओके, तो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेसिव इज़ बैड फॉर एवरीथिंग, है कि नहीं? एक्सेस इज़ बैड फॉर एवरीथिंग। तो वही चीज़ हो जाता है कि अगर आपका जो सी टेम्परेचर है, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाए या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो जाए, तो ये दोनों कंडीशन बहुत ज़्यादा आपका वर्स्ट हो जाता है मानसून के लिए। वहीं अगर एल नीनो की बात करें, तो ये इससे क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि रेनफॉल डेफिशिट हो जाती है, यानी कि बारिश नहीं हो पाती है, कई जगहों पर आपको जो है सूखा देखने को मिलेगा। वहीं अगर ला नीना की बात करें, तो यहाँ पर आपका एवरेज से भी ज़्यादा हो जाता है मानसून, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होने लगती है। ओके, तो आई होप कि आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब आते हैं सेकंड जो रीज़न है, वो है मेडन जूलियन ऑसिलेशन, यानी जो लोकेशन होता है मेडन जूलियन ऑसिलेशंस का, और जो स्ट्रेंथ होती है यानी जो इसकी ताकत होती है, वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके थ्रू हमारे इंडिया में जो मानसून का डेवलपमेंट होता है ना, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये आपको मेडन जूलियन ऑसिलेशंस नहीं देखने को मिलेगा, तो हमारे यहाँ जो 1 जून को जो मानसून आती है, वो आने में मुश्किल हो जाएगी। तो अब आइए मैं आपको यहाँ पर सब पहले समझाती हूँ कि ये मेडन जूलियन ऑसिलेशंस होता क्या है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MJO भी कहते हैं। तो ये एक तरीके का वेव होता है, जो कि ग्लोबल बैंड है आपका लो प्रेशर एरिया का, और ये पीरियडिकली आपका मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट। ओके, यानी कि इसी डायरेक्शन में ये आपका मूव करता है। साथ ही साथ ये इनिशिएशंस और जो इंटेंसिटी है ना लो प्रेशर एरिया का, उसको ये शो करता है, और साथ ही ये ओवरसीज होता है आपका मानसून ऑनसेंट, यानी कि जो मानसून आता है ना, उसका आपका ये सबसे पहला एक रूप देखने को मिलेगा मेडन जूलियन के कारण ही, इस तरीके के वेव के कारण ही, जो कि आपका मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट, तो इसके कारण आपको यहाँ पर मानसून देखने को मिलता है। साथ ही ये एक तरीके का डिस्टर्बेंस भी होता है क्लाउड का, यानी कि क्लाउड भी इस समय क्या होता है कि इस तरीके का जब आपका मूवमेंट होता है, तो इस समय आपका क्लाउड की फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड हो गए, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका रेनफॉल होगा, और विंड की मूवमेंट भी होगी, और प्रेशर भी होगा, जो कि आपके ट्रॉपिक रीजन में देखने को मिलता है। ट्रॉपिक रीजन कौन सा हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक। ओके, और ये आपका रिटर्न होता है इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि 30 to 60 डेज में, यानी कि ये आपका जो मूव करता है ना, तो उसके बाद ये बैक भी होता है। ओके, तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि 1-2 मंथ में बैक होता है। जब ये बैक होने लगता है, तो फिर हमारे यहाँ जो है रिट्रीटिंग मानसून होती है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाली बारिश होती है कि नहीं, सितंबर अक्टूबर में। यहाँ पे अगर देखेंगे, तो ये मल्टीपल MJO होती है, यानी कि इस तरीके का जो आपका मेडन जूलियन है ना, ये बहुत ज़्यादा ही होता है इस सीज़न के अंडर में। सो ये आपका जो MJO है, ये एक बेस्ट डिस्क्राइब करता है आपका इंट्रा सीजनल ट्रॉपिकल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को, यानी कि यही एक शो करता है जिसके कारण आप देखते हो कि कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, फिर उसके बारिश रुक जा रही है, फिर बारिश हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इसके कारण होती है। ये हमारे ENSO साइकिल को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। साथ ही ये आपका एल नीनो का कॉज नहीं है, और ला नीना का भी नहीं, यानी कि एल नीनो और ला नीना बहुत अलग है, मेडन जूलियन ऑसिलेशंस भी बहुत अलग है। लेकिन हाँ, ये आपके जो इंटेंसिटी है ना एल नीनो और ला नीनो के एपिसोड का, तो उसके इंटेंसिटी को ये जो है कंट्रीब्यूट थोड़ा बहुत करती है, लेकिन फिर भी ये आप अलग कह सकते हो। अब MJO की बात करें, तो यहाँ पे दो पार्ट होता है। पहला जो है कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दूसरा की है कि रेनफॉल कम हो जाता है। जैसे कि एल नीनो आने से रेनफॉल बहुत कम होता है, और ला नीना आने से रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। इसी में अगर हम लोग देखें इन्हेंस्ड कनेक्टिव फेज में, तो विंड अगर सरफेस कन्वर्जेंस में देखेंगे, तो एयर जो है ना, वो आपका पुश अप होता है, यानी कि ऊपर की तरफ पुश करता है एटमोसफेयर में, और धीरे धीरे जब टॉप ऑफ द एटमोसफेयर में चला जाता है, तो फिर से विंड रिवर्स हो जाती है, और इस तरीके से क्या होता है कि ये राइजिंग मोशन हो जाता है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण कंडेंसेशन और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका फिगर बताया जा रहा है।
इससे मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे क्या होता है ना कि इस तरीके का वेव होता है, तो वेव से क्या होता है कि इस तरीके से आपका जो ये जो स्टॉर्मी और जो वेट आपका विंड है ना, ये ऊपर उठने लगता है पूरी तरीके से, और ये आपका एटमोसफेयर में चला जाता है। ओके, एटमोसफेयर में जाने के बाद जब ये पूरी तरीके से क्लाउड फॉर्म हो जाता है ना, तो कंडेंसेशन हो गया और ये एयर ऊपर जाता है, तो अपने साथ जो है आपको ये वाटर वेपर भी देखने को मिलेगा, वाटर वेपर भी ऊपर जाती है, उसके बाद ये कंडेंसेशन हो जाता है और ये रेनफॉल की तरफ से रेनफॉल होते हुए पूरी वाटर जो है फिर से वापस आ जाती है। ओके, तो ये चीज़ आपका होता है। एमजेओ जो है ना वो आपको इंडियन ओशंस के ऊपर देखने को मिलेगा जब मानसून सीज़न होती है, ये आपका गुड रेनफॉल लेकर आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। वहीं अगर दूसरे साइड देखें तो समटाइम्स ये आपको लॉन्गर साइकिल और ये आपका पैसिफिक ओशन के ऊपर भी देखने को मिलता है, जिससे कि ये बैड न्यूज़ होता है इंडियन ओशन के लिए। अगर ये पैसिफिक ओशन के ऊपर बहुत लंबे समय तक रह जाता है ना ये ऑसिलेशन, तो ये आपके इंडियन ओशन में आने के लिए बहुत टाइम लगा देता है, जिसके कारण ये समय पर नहीं पहुँच पाता है और हमारे यहाँ मानसून आने में बहुत लेट हो जाता है। तो ये दो रीज़न है अभी क्या हो रहा था कि ये आपका पैसिफिक ओशन में बहुत लंबे समय तक ये आपका ऑसिलेशन रह गया था, जिसके कारण ये इंडियन ओशन पे नहीं पहुंच पाया, और इंडियन ओशन पे टाइम पे नहीं पहुंच पाने के कारण जो है हमारी मानसून आने में लेट हो गई, और वह 1 जून के अलावा जो है ये 8 जून में हमारे केरल कोस्ट में ये अटैक की है। ओके, अटैक की है या फिर आप कह सकते हो कि ये आपका नॉक की है। ओके, तो ये एक पॉइंट है। फिर आपका तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है इंडियन ओशन डाइपोल। आई होप कि आप लोग ये टॉपिक पढ़े होंगे। तो इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है कि ये भी आपका एक इंडियन निनो है, यानी कि एक तरीके का कंडीशन है जहाँ पे आपका SST जो वेस्टर्न रीजन होता है ना इंडियन ओशन का, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लगता है, और अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हॉटर भी हो जाता है ईस्टर्न रीजन के कंपैरिजन में। यानी कि SST क्या हो गया, तो सी सरफेस टेम्परेचर। ओके, सी सरफेस टेम्परेचर, जैसे ये इंडियन ओशन है, ये आपका ईस्टर्न रीजन हो गया, ये आपका वेस्टर्न रीजन हो गया। तो अगर ईस्टर्न रीजन के कंपैरिजन में देखेंगे तो वेस्टर्न रीजन में क्या होता है कि कभी कभी ये इंडियन ओशन डाइपोल है, यानी कि कभी कभी जो है आपका नॉर्मल जो कोल्डर या हॉटर होता है ना, इससे ज़्यादा आपका एबनॉर्मल हॉटर भी देखने को मिलता है और एबनॉर्मल कोल्डर भी देखने को मिलता है। ओके, इंडियन नीनो जो है वो यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि ये जो एल नीनो और जो ला नीनो का इंपैक्ट है ना, उसको यहाँ पे और ज़्यादा वॉश कर देता है। तो यहाँ पे आपका दो तरीके का इंडियन ओशन डाइपोल देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव देखने को मिलेगा, एक नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल फेज होता है ना, इसका मतलब है कि ये हायर देन यूजुअल टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर आपका सी सरफेस टेम्परेचर का होता है, तो उससे ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है वेस्टर्न ये इंडियन ओशन में, और इससे जो है ना आपका ज़्यादा बारिश होता है जब हम लोग देखते हैं ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ओके, अगर पॉजिटिव इंडियन डाइपोल है तो। वहीं अगर नेगेटिव इंडियन डाइपोल है ना, तो इससे क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा ही नीचे डाउन हो जाता है, कूल हो जाता है SST यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर। इससे क्या होता है कि इंडियन ओशंस में जो है आपका बारिश यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो पाता है, और इसके कारण आपकी जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत कम यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलता है। ओके, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आप समझ गए। पॉजिटिव मीन्स ये अच्छा है, गुड न्यूज़ लेकर आता है, नेगेटिव मीन्स ये बैड न्यूज़ लेकर आता है। ओके, अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं फोर्थ जो रीज़न है वो है साइक्लोनिक फॉर्मेशंस। यानी कि आप लोग जानते हो कि साइक्लोन फॉर्मेशंस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इधर, तो साइक्लोन्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। कि स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब उस एरिया में आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा, यानी लो प्रेशर होता है तो साइक्लोन बनने की एक फेवरेबल कंडीशन मानी जाती है। वहीं अगर देखें तो सिमिलर लो प्रेशर एरिया है, जब ये डेवलप होता है आपका ज़मीन के बगल में या फिर ज़मीन के ऊपर ही, तो इससे क्या होता है ना कि मानसून विंड पूरी तरीके से यहाँ पर खींचे चले आता है। ओके, ये आपका हमारे इस तरीके के लो प्रेशर एरिया में, लो प्रेशर एरिया जो है ना वो आपको साइक्लोन के सेंटर में देखने को मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि लोकल सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा, और ये जितनी भी आपकी मानसून विंड है ना, सबको इसी की तरफ यहाँ पे खींचे चले आते हैं। ओके, लो प्रेशर एरिया में, क्योंकि आपको पता है विंड कहाँ कैसे मूव करती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है, हाई प्रेशर से निकलती है लेकिन आफ्टरऑल वो लो प्रेशर में जाती है, ये आपका डायरेक्शन होता है विंड का। जो साइक्लोन्स है वो यहाँ पे अरेबियन सी में डेवलप हो गया, तो मानसून को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंपैक्ट करता है, अगर हम लोग ये बे ऑफ बंगाल में डेवलप्ड होते हुए देख रहे हैं तो, क्योंकि जो मानसून विंड है ना वो इंडियन पेनिनसुला में जो इंटर करता है वो यहाँ पे अरेबियन सी से ही इंटर करता है। जैसे आप देख रहे हो कि ये हमारा यहाँ पे पेनिनसुला रीजन है। ओके, ये केरल कोस्ट है, और यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, ये आपका अरेबियन सी हो गया। ओके, और ये इंडियन ओशन हो गई पूरी तरीके से। तो अगर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि अगर इस तरीके का यहाँ पे अगर आपको साइक्लोन बनने लग रहा है, लो प्रेशर एरिया यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे साइक्लोन बन रहा है, और विंड जो है वो आपकी मानसून विंड इस तरीके से आती है, तो अगर यहाँ पे आपको साइक्लोन बन
बन रहा है तो क्या हो रहा है कि मॉनसून विंड यहाँ नहीं जाकर सारी मॉनसून विंड जो है ना टर्न होकर यहाँ चली जाएगी, यानी कि मॉनसून जो है विंड यहाँ पर आती है तभी ना मॉनसून होती है, तो मॉनसून नहीं हो पाएगा और यहाँ पर साइक्लोन बनने के कारण सारी जो विंड है ना वो आपका इंडियन ये अरेबियन सी में चला जाएगा, जिसके कारण आपकी मॉनसून जो है बैड हो जाएगी। ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी हमारी जो मॉनसून है अगर वो बे ऑफ बंगाल में आती है तो ये बहुत अच्छा फेवरेबल कंडीशन माना जाता है, जिससे कि हम लोग के यहाँ जो है मॉनसून एक सही समय पे हिट कर पाती है। तो ये भी एक रीज़न है, साइक्लोनिक फॉर्मेशन भी एक रीज़न होता है जिसके कारण जो है हमारे इंडिया में जो मॉनसून है वो लेट से आती है। ओके, अब एक और रीज़न है जिसको हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग विंड होता है जो कि आपका वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है, यानी कि इसके डायरेक्शन ये होते हैं, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है और ये आपके जो है 5 to 7 miles अबव द अर्थ सर्फेस, यानी कि अर्थ सर्फेस में जो नॉर्मल विंड आपका जो फ्लो होती है ना वो नॉर्मल विंड से ज़्यादा जो आपका स्ट्रॉन्ग विंड होती है और आपके सरफेस अर्थ सरफेस से थोड़े से ऊंचाई पे होती है और ये इसके डायरेक्शन जो है ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट होती है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, इसी को हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। और जेट स्ट्रीम क्या करती है ना कि विंड और जो प्रेशर है एटमोसफेयर में उसको ये चेंज करती है, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो एयर का जो मूवमेंट है ना वो समटाइम्स चेंज हो जाता है और इसके कारण जो कोल्डर वेदर्स होती है ना वो काफ़ी अफेक्ट होती है। समटाइम्स ये बिलीव किया गया है कि यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शंस देखने को मिलता है जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की मूवमेंट है और इंडियन मानसून की मूवमेंट है। तो ये कनेक्शंस के कारण क्या होगा कि आपका जो है ये अगर जेट स्ट्रीम बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है कोई भी आपका जो विंड होता है, साइक्लोनिक विंड होती है या फिर आपका जो एटमॉस्फेरिक विंड होती है और जो आपका सब ट्रॉपिकल यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम है ना उसके और इंडियन ओशंस की जो इंडियन मानसून की जो विंड है ना इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शंस देखने को मिलता है, जिसके कारण भी अगर आपका जेट स्ट्रीम बहुत ज़्यादा ही आपका फ्लो हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट तो इससे क्या होगा ना कि जो आपका मानसून विंड है वो भी यहाँ पर इम्पैक्ट होगा। ओके, तो टोटल हम लोग को समझ में आया कि कौन कौन सी ऐसी रीजंस है जिसके कारण हमारे इंडिया में मॉनसून लेट आ रही है, तो इसको समराइज कर लेते हैं एक साथ। सबसे पहला है एल नीनो और ला नीना, ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आप देखोगे कि मेडन जूलियन ऑसिलेशन है जिसके कारण हमारे यहाँ मॉनसून लेट आई। थर्ड है इंडियन ओशन डाइपोल जिसमें पॉजिटिव है नेगेटिव है। फोर्थ है यहाँ पर साइक्लोनिक फॉर्मेशन, यानी कि अरेबियन सी में अगर फॉर्म हो रहा है तो यानी कि हमारे यहाँ मॉनसून कम आने की चांसेस होती है। फिफ्थ जो रीज़न है वो है जेट स्ट्रीम। ओके, अब आते हैं ये देखते हैं कि मॉनसून प्रेडिक्शंस का मॉडल क्या क्या है, जिससे कि बहुत बार ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है ना, जैसे आप लोग भी देखते होंगे कि काफ़ी बार आपको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पता चलता होगा कि मॉनसून इस टाइम पे इस स्टेट पे आएगी इस स्टेट पे आएगी। ओके, तो ये प्रिडिक्शंस का मॉडल क्या होता है ये समझते हैं। 2010 तक सिर्फ एक ही मेथड था जो कि यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को देखा जाता था, जो कि वो यूज़ करते थे, जिसके थ्रू मॉनसून को वो फॉरकास्ट कर पाते थे, जो कि थी स्टैटिस्टिकल मॉडल। इससे क्या होता था ना कि यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता था क्लाइमेट पैरामीटर्स को जो भी यहाँ पे मॉनसून के परफॉर्मेंस से लिंक थी, जैसे कि सी सर्फेस टेम्परेचर कितना है और ग्रेडियंट बिटवीन जो आपका नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक के बीच में कितना है, वार्म वाटर की वॉल्यूम कितनी है इक्वेटोरियल पैसिफिक में और यूरेशियन सोर्स केस में, तो ये सब चीज़ देखा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे रॉन्ग भी प्रूव किया गया है समटाइम्स, और IMD जो है वो अपनी मार्क को यानी कि जो फॉरकास्ट करती है उसको भी यहाँ पे गलत कहा जा रहा है, यानी कि समटाइम्स जो मेजर ड्रॉट और जो मेजर रेन डेफिशिएट देखा गया है वो भी यहाँ पे प्रूव्ड हो गया है कि वो रॉन्ग है। अगर हम लोग 2015 में देखें तो IMD जो है एक डायनेमिकली सिस्टम स्टार्ट की थी जिसके थ्रू वो टेस्ट करती थी, तो ये वेदर के साथ स्टिमुलेट्स करते थे जिसमें कि जो लोकेशंस है ना एक गिवन डे का यानी जो दिन दिया जाता था उसको यहाँ पे चूज़ किया जाता था। उसके बाद लैंड एंड ओशन टेम्परेचर है, मॉइस्चर है और विंड स्प्रेड है वो भी आपको वेरियस हाइट में देखा जाता था। फिर एक पावरफुल कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे लाया गया जिसके थ्रू वेदर की जो वेरिएबिलिटी है ना वो किस तरीके से एक दिन में या फिर कुछ वीक्स में या फिर कुछ मंथ में चेंज होती है वो भी यहाँ पे देखा गया। IMD यहाँ पे यूज़ करते हैं न्यू इंसेबल प्रिडिक्शन सिस्टम, जिसके थ्रू वो यहाँ पे प्रोबेबल बता पाते हैं कि वेदर का फॉरकास्ट क्या होगा आगे आने वाले 10 डेज में, ना कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म फॉरकास्ट किया जाता है। ओके, पहले आप देखते होंगे कि बता दिया जाता है कि अगले साल किस तरीके से मॉनसून होगा, अभी भी हालांकि ऐसा किया जाता है पर वो आपका रिलायबल नहीं होता है, वो आपका ऑथेंटिक नहीं होता है। ओके, यहाँ पर जो हमारे यहाँ इनसेबल प्रिडिक्शन सिस्टम यूज़ किया जाता है उसके थ्रू अगले आने वाले नेक्स्ट 10 डेज के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। ओके, अब यहाँ पे एक और आपका यहाँ पे कि जो फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करती है ना जिसके कारण हमारे यहाँ मॉनसून डिले आती है तो वो देख लेते हैं रिसेंटली कौन कौन सी फैक्टर है। तो MJO का यानी कि मेडन जूलियन ऑसिलेशंस का क्या इम्पैक्ट होता है, जून के मंथ में MJO जो है ना वो सप्रेस्ड फेज में होती है इंडियन ओशंस में, क्योंकि यहाँ पे क्लाउडीनेस कोशेंट और जो रेनफॉल एक्टिविटी है ना वो बहुत कम होती है, इसके कारण यहाँ पे मेडन जूलियन ऑसिलेशंस जो है उसके कारण यहाँ पे आपको रेनफॉल कम होते हुए दिखेगा। साइक्लोनिक अगर हम लोग फॉर्मेशंस देखें तो अभी रिसेंटली की बात की जा रही है, तो साइक्लोन स्टॉर्म जो वायु आई थी ना वो हमारे अरेबियन सी में
हुई थी, अरेबियन सी में हुई थी, जिसके कारण जो मानसून की इम्पैक्ट है वो बहुत कम देखने को मिला हम लोग के इंडिया के पार्ट में। इससे जो है नॉर्मल प्रोग्रेशंस हो पाया, मॉइस्चर जो है वो पूरी तरीके से मानसून विंड से सक कर लिया गया। अगर मॉइस्चर रहेगा नहीं मानसून विंड में तो फिर बारिश कैसे हो पाएगी। ये जो फेनोमेना है डिले मानसून का, ये जस्ट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर साइक्लोनिक सिस्टम जो है ना इमर्ज होकर आ रही थी। 2015 से ही हम लोग लगातार देख रहे हैं जब यहाँ पर साइक्लोन अशोभा जो है डिले की थी मानसून को। तो ये 2015 में साइक्लोन अशोभा डिले की थी मानसून को, और इस बार आप देखोगे तो साइक्लोनिक स्टॉर्म वायु है। ओके, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी साइक्लोन है जो कि मानसून विंड को यहाँ पे अफेक्ट की थी, तो वायु याद रखना है। अब वार्मिंग वाटर की भी इम्पैक्ट देख लेते हैं। यूएस एजेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो अनयूजुअल जो वाटर वार्म हो जाता है ना अरेबियन सी में, ये आपका एक रेयर बैंड बन जाती है स्टर्ली विंड के लिए जो कि इंडियन ओशन में बनती है, और ये सिग्निफिकेंटली है कि यहाँ पे डिले होगा मानसून की ऑनसेट जो कि केरल कोस्ट में होती है। अनफेवरेबल जो क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो है ना अरेबियन सी के ऊपर, वो भी यहाँ पर मदद देती है जिसके कारण मानसून की प्रोग्रेस यहाँ पर हो पाती है, और दूसरे रीजन्स भी है जो कि यहाँ पर डिले कर पाती है। ओके, तो ये रिसेंटली बताया गया है कि क्या क्या इम्पैक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट में, जो कि बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट है, ये है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, तो इस टॉपिक में भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो कालेश्वरम लिफ्ट जो आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो अभी रिसेंटली यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है जयशंकर भूपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट जो कि तेलंगाना में है। तो ये आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि कालेश्वरम जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो कहाँ है, तो ये तेलंगाना में है। ओके, डिस्ट्रिक्ट याद रखना है तो ये जयशंकर भूपालपल्ली है। ओके, अब आते हैं और क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ना ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मल्टी स्टेज मल्टीपर्पज़ लिफ्ट इरीगेशन है, यानी कि मल्टी स्टेज, यानी कि बहुत सारा स्टेज भी आपको देखने को मिलेगा इरीगेशन में, और ये मल्टीपर्पज़ है यानी कि एक साथ एक ही प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारा पर्पज़ भी होते हुए देखने को मिलेगा। ओके, तो धीरे धीरे सब कुछ देखेंगे। अब ये जो आपका प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ये गोदावरी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, साथ ही बनाया गया है, और ये आपका वाटर भी हार्नेस करेगी जो कि दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बनती है। गोदावरी है जिसमें कि आपका एक बैरेज बनाया गया है मेडीगढ़ा, और जो कि आपका इस डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद ये वाटर को भी आपका डाइवर्ट करेगी, यानी इस तरीके से अगर फ्लो हो रहा है तो इसको इधर भी डाइवर्ट कर सकती है लिफ्ट के थ्रू और ये पंप्स के थ्रू, जो कि काफ़ी कम्प्लेक्स सिस्टम होता है रिजर्वायर का, वाटर टनल का, पाइपलाइन का और कैनाल का। इसमें लॉन्गेस्ट इरीगेशन टनल भी बनाया गया है जो कि हमारे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही ये आपका इंपॉर्टेंट है। जो प्रोजेक्ट है ये आपका एक तरीके का बहुत लंबा और बड़ा साइज और स्केल में बनाया गया, क्योंकि गोदावरी खुद ही ये आपका 100 मीटर में फ्लो करती है मीन सी लेवल के नीचे, और तेलंगाना जो लोकेटेड है वो 300 से 650 मीटर में ये आपका लोकेटेड है। बाय द टाइम अगर देखें तो वाटर जो यहाँ पे कोडा पोचमा सागर में रिच करती है जो कि लार्जेस्ट रिजर्वायर है इस सिस्टम का, तो गोदावरी वाटर जो है ना वो इसको लिफ्ट कर लेगी कितने हाइट में, तो 618 मीटर के हाइट में। और यहाँ पे एक इरिगेट भी आपका डिज़ाइन किया गया जो कि 45 लाख एकड़ तक इसको इरीगेट कर सकती है, यानी कि क्रॉप को पानी दे सकती है, जो कि दो क्रॉप एक साल में दिया जाएगा, और ये जो ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट है ना इसको भी फुलफिल किया जाएगा, वो भी अप टू 70%। और साथ ही जो तेलंगाना गवर्नमेंट है वो यहाँ पे वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट भी इंटर की है, वो भी महाराष्ट्र के साथ, जो कि एक बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन आपको ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट का देखने को मिल रहा है, यानी कि मल्टीपर्पज़ मल्टी स्टेज है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यहाँ पे हेल्पफुल आपको देखने को मिलेगा। लिफ्ट इरीगेशन का क्या मतलब होता है? लिफ्ट इरीगेशन एक तरीके का मेथड है इरीगेशन करने का, यानी कि सिंचाई करने का एक तरीके का इरीगेशन से मेथड है, जिसमें कि आपका वाटर जो है ना इंस्टीड ऑफ बींग ट्रांसपोर्टेड बाई नेचुरल फ्लो, जो जैसे कि आप देखते हो कि इरीगेशन कैसे होता है, इस तरीके का अगर आपका पौधा लगा हुआ है तो पानी इस तरीके से यहाँ पे फ्लो होके दिया जाता है, तो ये फ्लो होके ना दिया जाए जिससे आपका क्या होगा कि यहाँ पे आपका किस तरीके से यूज़ होगा, तो यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि एनिमल यहाँ पे करते हैं, फ्यूल बेस्ड होता है, इलेक्ट्रिक पावर होती है जो कि पंप यूज़ किया जाता है, और अदर मैकेनिकल मीन्स के थ्रू जो है ये वाटर आपका दिया जाता है। तो इसीलिए इसको लिफ्ट इरिगेशन कहा जा रहा है कि इसमें आपका लिफ्ट किया जा रहा है पानी को, एनिमल्स के थ्रू लिफ्ट किया जा रहा है, फ्यूल बेस्ड है या फिर इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू यहाँ पे आपका लिफ्ट करके जो है जहाँ पे क्रॉप है वहीं पे पानी गिराया जाएगा। ओके, इस तरीके का नेचुरल फ्लो नहीं होगा। लिफ्ट इरीगेशन स्कीम्स जो है ना यहाँ पे दो मेन टास्क है, पहला है कि ये वाटर को कैरी किया जाता है पंप के थ्रू वाटर सोर्सेज से और ये डिलीवर किया जाता है मेन चैम्बर में। सेकेंड है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वाटर को, वो भी बेनिफिशरी फार्मर्स के आपके फील्ड में। जो एडवांटेज है लिफ्ट इरिगेशन का वो बहुत ही मिनिमम लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम को यहाँ पे दूर किया जाता है और लो वाटर लॉस भी होता है, यानी कि बहुत कम पानी की बर्बादी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो मिनिमम लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम है ना उसको भी यहाँ पे टैकल करेगी। ओके,
तो गाइस ये हमारी इन्वायरमेंट की लेसन यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम लोग जो है इकोनॉमी की एक लेसन देख लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग सिक्योरिटी भी पढ़ लेंगे। ओके तो एक एक करके मैं सारी लेसन को यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगी, और ये जो मेरे क्वेश्चंस पूछने का जो यहाँ पे अभी एक न्यू आप कह सकते हो कि पैटर्न है, आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं और मैं इसमें क्या अभी ऐड ऑन करूँ, तो वो भी आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो। और जो मैं क्वेश्चन पूछी हूँ उसका ज़रूर आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, इससे आपका रिविजन भी होते जाएगा और एक दिन के बाद जो है ना आपको बहुत हल्का भी लगने लगेगा ये आपका करंट अफेयर्स का। और मैगजीन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ पूछ के आपको जो है रटवा दूंगी सब कुछ। ओके तो गाइज आज के लिए इतना ही, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी सजेशंस देनी है, डाउट है, क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लिया है। और अगर आपको कोई भी तरीके का PDF चाहिए, इस मैगजीन की PDF चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरे रिसोर्स पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जो कि है रिसोर्स पॉइंट के नाम से। ओके थैंक यू।